किसानों की तरफ से दिल्ली कूच को लेकर लगातार कार्रवाई शंभू बॉर्डर पर चल रही है, और ऐसे में जो है सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ नज़र आ रहा है। और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये सोनीपत का केएमपी के नज़दीक केएमपी टोल से ठीक पहले यहां पर पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग की गई है, और पुलिस प्रशासन ने लगातार ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा है और लगातार यहाँ पर लोगों को जानकारी देते हुए केएमपी के रास्ते लगातार आगे भेज रहा है। खास तौर पर आपको बता दें कि किसानों का कूच को लेकर दिल्ली से पूरी तरह से संपर्क लोगों का कटा हुआ है। ट्रैफिक को लेकर जो है एडवाइजरी पहले से जारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने सोनीपत से सटे हुए बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है, और खास तौर पर कुंडली सिंघू बॉर्डर पर अर्ध सैनिकों के साथ साथ भारी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। फ्लाईओवर के नीचे जहाँ 6 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है, तो वहीं फ्लाईओवर पर करीबन 12 से 14 पत्थरों की जो है वो सुरक्षा व्यवस्था लेयर बनाई गई है। ऐसे में अगर लोगों की बात करें तो लोगों का जो ट्रैफिक है, जो अपने वाहनों से दिल्ली या आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ केएमपी से डाइवर्ट किया गया है। और वहीं अगर बात करें कुंडली सिंघू बॉर्डर के बाद ओचंदी फिरोजपुर बॉर्डर नरेला सफियाबाद बॉर्डर को भी बंद किया गया है, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी जरूर झेलनी पड़ रही है। हालांकि अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, और पट्टी कल्याणा में करीबन 250 पुलिसकर्मी और सेना के 200 जवान यहां पर नियुक्त किए गए हैं। और ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा पट्टी कल्याणा में जिस प्रकार की व्यवस्था बढ़ाई गई है, और ऐसे में सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर भी कटेली तारों के साथ भारी पत्थरों के बैरिकेटिंग, लोहे के पत्थरों के बैरिकेटिंग समेत जो है अलग अलग मजबूत व्यवस्था की गई है, और सोनीपत में धारा 144 पहले से लागू है। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से किसानों का दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा मजबूत रणनीति बनाई गई है, ऐसे में आसपास से कुंडली क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों और उद्योगपति चिंता में है, और नौकरी पेशा लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही है। 1 से 2 किलोमीटर के अंदर जाने वाले लोग काफी चक्कर काट कर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, और लोग लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं कि किसान भाई बॉर्डर पर आकर ना बैठे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ रही है, और अगर एक बार फिर ऐसा हो जाता है तो यह काफ़ी चैलेंजिंग होगा, और किसान भाइयों के वजह से जो है उद्योगपति और आम जन काफ़ी परेशान होगा। और ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन द्वारा भी लगातार एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि कुंडली सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, और दिल्ली और आगे की तरफ किसी को जाना है तो डाइवर्ट रूट के हिसाब से अपना रास्ता चुने और आगे बढ़े। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो कुंडली बॉर्डर से ठीक पहले बिसवा मेले पर यह बैरिकेटिंग की गई है, और केएमपी से वाहनों को आवाजाही किया गया है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह।